वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सादिया पॉल एंड एलिया रिजवी, जिनके साथ हमने बात की फैशन डिजाइनिंग के हवाले से, और डॉक्टर सादिया के साथ हमने बात की वेरियस गायनी के प्रॉब्लम के हवाले से। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपको कुछ टिप्स भी बता रही थी, मैं दोबारा रिपीट करूँगी शबाना धानजी न्यूट्रिशनल डाइट टिप्स के हवाले से कि इस वीक के लिए एंड खास करके इस विंटर के मौसम के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। कि ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल किया जाए, दूसरा कि फ्रेश जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए ताकि विटामिन सी खास करके एंड आयरन की जिन लोगों को डेफिशिएंसी है वो अनार से बहुत ज़्यादा कवर हो सकती है, साथ में नट्स में खास करके सर्दियों का मौसम है तो उसमें वॉलनट्स का लेना ज़रूरी है। जी, हमारे साथ शो में मौजूद है इस वक्त डॉक्टर कमर रिजवी जो कि DIG है सिंध के ट्रैफिक के हवाले से, जिनके साथ हम बात करेंगे वेरियस एक्सीडेंट एंड ट्रैफिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले मैं थोड़ी सी तसी कर दूं। ADIG, एग्जैक्टली, सॉरी। एक्चुअली मैंने आई हैड अ मार्केटिंग मैसेज प्रिपेयर्ड यस्टरडे व्हेन आई मेंशनड DIG एक्चुअली देयर। यस, सो इंशाल्लाह यू विल बी इन फ्यूचर DIG सर, डेफिनेटली। मैं ये बता दी चलूँ कि डॉक्टर साहब डॉक्टर भी हैं, MPhil भी हैं, और सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है कि वो पोइट्री के बहुत शौकीन हैं। यस। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे बताएं कि यू नो आई मीन बहुत सारे वेरियस चैनल पर आपसे इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आप यू नो एज अ डॉक्टर आपने डॉक्टर क्यों नहीं प्रैक्टिस किया। और बात ये है कि देखिए जब आप डॉक्टर बनने लगते हैं तो तब भी आपके दिल में यही ख्याल होता है कि आप एक ऐसी नॉलेज हासिल करने जा रहे हैं जिससे इंसानियत की खिदमत होगी, उसकी ग्रीवेंसेस दूर होंगी। और जब आप कोई पब्लिक सर्विस में आते हैं, कोई ऐसा शोबा चुनते हैं जिससे आवाम की खिदमत हो सके और उनकी ग्रीवेंसेस दूर हो सकें, तो बात तकरीबन एक ही है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि वो डिग्री छोड़ के आपने जाए कि ऐसा नहीं होता। अच्छी आपकी एजुकेशन होगी, अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड होगा, तो उसके साथ साथ आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका एक व्यू पॉइंट ज़रा डिफरेंट भी होगा, इन डेप्थ होगा, और आपकी इनलाइटनमेंट दूसरों से बेहतर होगी, तो आप बेहतर आउटपुट दे सकेंगे। दैट्स राइट। तो आपने अपना MBBS कहाँ से किया डॉक्टर साहब? मैंने डॉ मेडिकल कॉलेज से MBBS किया, बाद अजा फिर जब मैं पुलिस सर्विस में आ गया तो उसके बाद फिर मैंने LLB किया, और फिर LLB अच्छा, दैट्स एक्सीलेंट। और फिर मैंने MPhil भी किया, MPhil मैंने फार्माकोलॉजी एंड थेरेपिटिक्स में किया। तो ये पढ़ाई का सिलसिला, अब मैं कोई और डिग्री नहीं ले रहा लेकिन मैं पढ़ता रहता हूँ, और ये सिलसिला मैं समझता हूँ जिंदगी भर टिल डेथ। हाँ, पढ़ना है। आई थिंक आपके थोड़े जो ब्रेन के न्यूरॉन्स हैं ना वो भी हाईली एक्टिवेट रहते हैं सारा वक्त, यू नो यू अपडेट योरसेल्फ। तो वो दुनिया है जो हर घंटे के बाद एक नई इमर्ज हो जाती है, एक नई दवा इमर्ज हो जाती है, एक नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो जाती है, एक नई डिवाइस मार्केट में आ जाती है। तो जब तक आप उसके साथ अपडेटेड नहीं रहेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। तो डॉक्टर साहब, क्या आप ट्रैफिक पुलिस में ही रहे हैं? आई मीन आपकी सर्विस में मुख्तलिफ चीज़ों में, मैं इन्वेस्टिगेशन में भी रहा हूँ, मैं स्पेशल ब्रांच में भी रहा, ट्रैफिक में भी, अब दोबारा ट्रैफिक में। तो आप जब महकमे में आते हैं तो मुख्तलिफ जगहों पे। तो हाउ डिड यू डिफरेंशिएट? आई मीन आप कितने साल हो गए आपकी सर्विस को? हाँ, मैं तकरीबन 10 साल से ज़्यादा हो गए मेरे। लेकिन बात यह है, आप जिस जगह भी जाएँ ट्रैफिक में बड़ा दिलचस्प, मुझे तो हमेशा इंटरेस्टिंग लगता है। अभी आपसे मैं यही पूछने वाली थी, यहाँ करने को बहुत कुछ है, नए इक्विपमेंट्स, नए डिवाइसेस, नई टेक्नोलॉजीज़, और इसमें सारा एम्फेसिस इस पे रहता है कि लोग जो हैं वो अपनी डेस्टिनेशन पे किस तरह स्मूथली जल्दी पहुँच सकें, जल्द अज जल्द बगैर किसी हिंड्रेंस के नई टेक्नोलॉजी में। और ये भी एम्फेसिस रहता है कि जी एक्सीडेंट रेट कम से कम कर दें आप थ्रू इंजीनियरिंग, और दूसरी चीज़ सर्वेलेंस, कि आप बजाय ये कि मैन पावर ज़्यादा से ज़्यादा रोड्स पे लगाएं, उसके बजाय वो मसाइल आपके जो आपका CCTV है उससे ही हल हो जाएं। मसलन आप कोई एक्सीडेंट में कोई अगर जिम्मेदार है तो उसको आप लोकेट कर सकें कि कौन था। तो टेक्नोलॉजी इतनी नई इमर्ज हो गई है और उसकी हम हेल्प भी ले रहे हैं। उसके बारे में आपसे मैं बात करूंगी, मगर लेट्स स्टार्ट ऑफ विद लिटिल बिट ऑफ दिस। मुझे आपसे पूछना डॉक्टर साहब कि इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर वैसे अमूमन देखा जाता है कि वहाँ की ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड मैनेजमेंट में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं पिछले कुछ सालों में। कराची में उतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देती हैं, व्हाई? नहीं नहीं नहीं, हमने भी बात यह है कि शायद बार बार नाम बदले गए हों या कुछ और तब्दीली लाई गई हो, लेकिन जहाँ तक इक्विपमेंट की, ट्रेनिंग की और डिवाइसेस लाने की नए और हिकमत अमली की बात है तो वो कराची में भी वो साथ साथ चलती रही है। और आप देखें, अब जितना हमारे पास सर्वेलेंस का निज़ाम है, कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम हमारे पास है, तकरीबन हर मेन आर्टरी पे हमारे कैमरे लगे हुए हैं, डूम कैमरेज भी हैं, स्टिल भी हैं, जितने भी कैमरा हैं हमारे वो सब कवर करते हैं। और ये आप देखें, हमने इंजीनियरिंग के जहाँ डिफेक्ट्स थे वो मुतालिका डिपार्टमेंट्स को बताएं, वहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे थे उन स्पॉट्स से हमने वो डिफेक्ट्स दूर करवाए हैं। तो हमारा मुस्तकिल
हमारे यहाँ भी एक एवोल्यूशन का प्रोसेस जारी है, ये इर्तका हमारे यहाँ भी मुसलसल है। अच्छा, पहले से आप एज ADIG जो आप अभी बने ट्रैफिक की, आप कितने अरसे से हैं? मैं अभी बना हूँ तकरीबन मुझे 4 महीने हो गए। 4 महीने में? अच्छा, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी वरना कि पहले में और अब में कितने एक्सीडेंट्स में फर्क आया है? नहीं देखिए, एक्सीडेंट्स तो हम ईयर वाइज उसका कंपैरिजन करते हैं। ADIG वाइज नहीं करते, ईयर वाइज करते हैं। कि ईयर वाइज एक्सीडेंट्स में मैं आपको बताऊं कि बड़ी खुशाइन बात है कि कमी आई है बजाय इजाफा होने की। स्टिल अल्लाह ना करे कमी होने, अगर कोई किसी मर्ज में कोई आदमी एक भी किसी की डेथ होती है तो वो उसको ख़त्म करने की इसलिए कोशिश की जाती है उस रेट को भी कि वो कहीं खुदा ना खास्ता किसी आप ही का कोई अजीज़ ना हो। तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसको स्टिल हम कवर करने की और कम करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में हमने अभी हम हर साल भी करते हैं और इस साल हमने ज़्यादा एम्फेसिस और ज़्यादा तैयारियों के साथ हेलमेट ना पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आगाज किया है। और उसमें हम लोगों को बजाय ये कि उनके ऊपर मुसल्लत करें ये कैंपेन, हमने अवेयरनेस ज़्यादातर कोशिश की है कि उनको लोगों को पता चले कि दरअसल ये उनके अपने हक में बेहतर है। आप देखें तकरीबन 1.2 मिलियन डेथ्स होती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से, उनमें तकरीबन 70% जो हैं वो मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं। और हमारे मुल्क में भी तकरीबन जो डेथ रेट है वो डेथ टोल हमारा पहुँच जाता है 50% तक रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में मोटरसाइकिलिस्ट का। 50% रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में जो डेथ्स हैं वो मोटरसाइकिलिस्ट की हैं हमारे मुल्क में। तो इस बात से अवेयर होते हुए, अच्छा वो डेथ्स भी किस वजह से हैं, एक्सीडेंट हो जाता है उसके बाद जो इंजरी होती है वो हेड इंजरी है ज़्यादातर। दैट्स राइट। और उस हेड इंजरी की वजह से अगर आपने हेलमेट पहना हुआ है तो आपको चाहे पूरी बॉडी पे कितना भी लग जाए लेकिन डेथ वाकई नहीं होती। कोई विसरा जो है आपका मेन विसरा वो डैमेज नहीं होते, लेकिन जो असल आपका वो हेड है वो अगर डैमेज हो जाए तो आपको हेमाटोमा भी हो सकता है। That's right. आपके स्कल की जो जितनी भी वो हैं आपकी बोन्स हैं वो डैमेज हो सकती हैं, आपकी ब्रेन लेयर्स डैमेज हो सकती हैं, ब्रेन स्टेम डैमेज हो सकता है बिल्कुल। तो वो इमीडिएट डेथ भी हो सकती है या आप कोमा के बाद लेटर ऑन फिर डेथ भी हो सकती है। तो मैं समझता हूँ ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इसमें रिडक्शन रेट है आफ्टर यूजिंग द हेलमेट वो तकरीबन 60-70% है। मगर आप मुझे बात बताएं कि अभी आप बात कर रहे थे, मुझे आपसे एक बात ज़रूरी पूछनी है कि ऐसा क्यों होता है कि जो ट्रैफिक जो हम देखते हैं ट्रैफिक पुलिस वाले लोग उन्हीं एरियाज में सबसे ज़्यादा मौजूद होते हैं जहाँ पे मिनिस्टरों के घर ज़्यादा होते हैं? ऐसा क्यों होता है? नहीं ऐसा नहीं, मतलब जहाँ से जिन लोगों उन लोगों का ज़्यादा आना जाना होता है ऐसा नहीं है, वहाँ शायद प्रोमिनेंट ज़्यादा नज़र आ जाते हों, लेकिन ऐसा नहीं है। एक तो ये हमारी जो VIP ड्यूटी है शायद उसकी तरफ आपका इशारा है, तो ये VIP ड्यूटी भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप उनको इन टाइम पहुंचना होता है। फिर आजकल सिक्योरिटी के हालात ऐसे हैं कि आप रोड पे इम्पॉर्टेंट जो आपकी शख्सियात हैं वो अगर रुक जाएं तो उनकी उनकी ज़िंदगी को ख़तरा लाख होता है। तो उनको जल्दी डेस्टिनेशन पहुंचाने के लिए हम ऑफकोर्स तो इसकी वजह से आपको नहीं लगता कि जो बाकी के लोग हैं जैसा अभी इस्लामाबाद के अंदर कहा जा रहा था टीवी के ऊपर, इसको बहुत हाईलाइट किया गया था कि जो अभी फिलहाल प्राइम मिनिस्टर के लिए जो उन्होंने पूरी ट्रैफिक वगैरह वहाँ पे रोकी थी जिसकी वजह से इतने सारे लोग 2 घंटे तक ऑफिस नहीं पहुँच सके थे। तो कराची शहर भी आपको मालूम है एक बहुत बड़ा शहर है और बहुत बिजी शहर है, यहाँ पर आपको नहीं लगता कि ट्रैफिक इस वजह से बहुत अफेक्टेड हो जाती है? मेरा ख्याल है कि इसमें हमें मीडिया को भी हमारे साथ तआवुन करना चाहिए। जहाँ तक हालात हैं जो जैसे हालात वर्ल्ड ओवर टेररिज्म चल रहा है उसके होते हुए आपके लिए लाजमी है कि आपकी जो शख्सियात एट स्टेक हैं उनको आप सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेंगे, उनके डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए ट्रैफिक का फ्लो भी स्मूथ रहेगा। तो उसके लिए थोड़ा बहुत डिले होता है, लेकिन ग्रिड लॉक की सिचुएशन नहीं आती कि बिल्कुल ग्रिड लॉक हो जाए, स्लगिश हो जाता है और थोड़ा सा डिले उसमें आ जाता है खोलने में और बंद करने में सिग्नल्स को। वो सूरत हाल नहीं है कि घंटों खड़ी रहे गाड़ियाँ। आपने देखा होगा कराची में अभी तक कोई ऐसी अल्लाह का शुक्र सूरत हाल पैदा नहीं हुई। नहीं अब मुझे फिर भी इतना जाम क्यों रहता है? मतलब आप देखें जाम नहीं रहता भाई, आपका सुनो स्लगिश है। हाँ। अच्छा उसकी वजह क्या है? आपकी रोड्स जो हैं उनकी लेंथ महदूद है, आपकी व्हीकल्स नंबर ऑफ व्हीकल्स जो रोज डेली नई रजिस्टर्ड रोड पर आ जाती हैं वो तकरीबन 570-600 हैं डेली, इसलिए कि लीजिंग वगैरह ने और लोगों की इस्तेदाद और आमदनी बेहतर होने नज़रिया आमदनी बेहतर होने की वजह से हर घर में ज़्यादा गाड़ियां खरीदी जा रही हैं। लीजिंग ने इजी एक्सेस कर दिया है 0 मीटर गाड़ियों तक, आप अपनी तनख्वाह का एक हिस्सा देते हैं और आपको एक बिल्कुल 0 मीटर गाड़ी मिल जाती है। तो अब ये हाल है कि घर के हर फर्द के पास अपनी एक गाड़ी है, ज़्यादा गाड़ियाँ 570-600 डेली आपकी रोड्स पर आ रही हैं, रोड्स उनकी लेंथ में कोई खातिर खा इजाफा नहीं हो पा रहा है क्योंकि आपकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है। तीसरी चीज़ पॉपुलेशन का खुद बढ़ना, पांचवी चौथी चीज़
आपका उसके साथ साथ कोई ऑल्टरनेट वे मुहैया ना होना। पूरी दुनिया में ये होता है कि आपके पास सर्कुलर रेलवेज होती हैं, आपके पास अंडरग्राउंड रेलवे सिस्टम होता है जो लोगों को उनकी दूर दूर तक शहर में जहाँ भी जाना हो जगह जगह स्टॉप बने होते हैं और वो पहुँचा देते हैं। तो ऑल्टरनेट वेज होंगी, लोग रोड्स पे कम आएंगे, इवन गाड़ियाँ भी होंगी तो लोग घर पे ही खड़ी करके आएंगे, इसलिए जैसे पूरी दुनिया में होता है कि लोग बॉदर नहीं होना चाहते ट्रैफिक के अंदर, वो फंसना नहीं चाहते, तो कहीं भी स्टक आप हो जाएं, उससे बेहतर ये है कि आप ये ऑल्टरनेट वेज यूज़ कर लें। जब आपके पास ऑल्टरनेट वेज होंगी तो आपकी रोड्स के ऊपर बोझ कम पड़ेगा, जब रोड्स पर बोझ कम पड़ेगा तो ये जो शिकायतें हैं आए दिन की कि जी स्लगिश हो रहा है और कहीं जैम जैम नहीं होता, वो उसकी वजूहात अलग हैं। उसकी वजूहात ही हैं कि कहीं आपके मजहबी जलसे हैं, कहीं कोई सियासी जलसा है, कहीं कोई दूसरी गैदरिंग है, और इन सब कहीं कोई जुलूस है, तो इन सब चीज़ों को भी केटर किया जाता है और इनके लिए ऑल्टरनेट वेज मुहैया की जाती हैं। हम जो अखबारात प्रोमिनेंट हैं उनमें हम दे देते हैं इश्तहारात, और पहले से लोगों को पता होता है कि ऑल्टरनेट वेज उन्हें इख्तियार करनी चाहिए, वरना इस दिन इस वजह से वो फंस जाएंगे। फिर भी लोग अपने रूटीन के मुताबिक, लोगों के जहन से निकल जाता होगा या क्या, या वो इतनी तवज्जो नहीं देते, कि फिर भी उसी रूट पे निकलते हैं जिस पे पहले से हमने एक अल्टरनेट इंतजाम किया हुआ होता है। अच्छा डॉक्टर, मुझे आप बताएं कि जैसे कि रोडों की खुदाई हो रही होती है, अभी फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, इस हवाले से ट्रैफिक पुलिस का क्या रोल होता है, आप लोग को इस चीज के हवाले से? जी बिल्कुल, क्या रोल प्ले करते हैं उसमें? हमारा भी रोल होता है, हम ये करते हैं कि हमें अगर इतला कर दी जाती है और नहीं भी की जाती, और हम दौरान गश्त के दौरान और पेट्रोलिंग के दौरान हमें पता चल जाता है, तो हम वहाँ पे ऑल्टरनेट वेज मुहैया कर देते हैं। कोई अपना सिपाही, कोई ऐसी हम बैरिकेड लगा देते हैं जिसकी वजह से रूट जो है वो बदल जाए, लोगों को ख़तरा कम हो और वो जो रास्ता मुहैया है वहाँ से आसानी से अपनी जगह पे पहुँच। अच्छा, दो चीज़ें जो मेरी बहुत अहम आपसे पूछनी, एक तो ये कि सुबह में जो स्कूल बच्चों के स्कूल जाने का टाइम होता है उस दौरान के अंदर बहुत एक्सीडेंट्स हो रहे होते हैं, तो उस दौरान के अंदर ट्रैफिक जो पुलिस होती है वो कराची में इतनी अलर्ट नहीं होती है? नहीं नहीं, ये स्टैटिस्टिक्स तो मेरे पास अभी तक नहीं आ पाई है कि जिस दौरान बच्चे स्कूल जाते हैं उस दौरान एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। उस दौरान रश ज़्यादा, क्योंकि रश में लोग सब जल्दी जल्दी जाने के लिए रश आवर्स होते हैं, रश आवर्स वो इसलिए हैं कि सारे तकरीबन पूरे कराची की आबादी ज़्यादा है और लोग अपने बच्चों को अपनी प्राइवेट व्हीकल्स में और ख़ुद जो स्कूल्स की गाड़ियाँ होती हैं बसेज होती हैं वो लेके जाती हैं। उसका सलूशन ये है, और उसमें बच्चे भी हर्ट नहीं होंगे और रोड्स भी फारिग रहेंगे, उसके लिए हमने सोल्यूशन स्कूल्स को दिए हैं कि वो उनके प्रेमिसेस के अंदर जाके गाड़ी दरवाज़ा खुले, अंदर गाड़ी जाए, अंदर बच्चा उतरे, वो गाड़ी बाहर निकले, जो उनकी दीगर गाड़ियाँ हैं वो इसी तरह तरतीब से अंदर जाएँ, जितनी भी उनके पास गुंजाइश है, तीन गाड़ियों की, चार गाड़ियों की, या एक साथ जाएँ और बाहर आएँ। फिर छुट्टी के वक्त भी यही करें कि गाड़ियाँ अंदर जाएँ, बच्चों को अंदर बिठाएँ, अंदर से बिठाएँ, फिर बाहर लेकर आएँ, ना कि बाहर उनका रश लगा हुआ है। छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, कोई गाड़ी अगर 10 की स्पीड में भी आगे पीछे हो रही है तो बच्चे के लिए वो फेटल हो जाएगी, तो इसलिए हमारी हिदायत ये स्कूल्स को रहती हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसके बावजूद एक्सीडेंट रेट इन आवर्स में हाई नहीं है। और मुझे लगता है कि बाहर मुल्कों में अक्सर देखा जाता है, कराची में तो बहुत कम है ऐसा, कि ज़ीब्रा लाइंस जो बनाई जाती हैं ताकि यू नो रोड क्रॉसिंग के लिए, वो यहाँ पर इतनी ज़्यादा उसको ना फॉलो किया जाता है और ना उसको इतनी? जी हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को अक्सर लिखते भी रहते हैं, हमने बढ़ाई भी हैं, बढ़ी भी हैं, उसके साथ साथ वो मज़ीद तजावीज़ हमने दे रखी हैं, पेलिकन क्रॉसिंग्स हैं उसके लिए भी बता रखा है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ओवरहेड ब्रिजेज़ हैं उनकी भी, उनमें भी इजाफा, पेडिस्ट्रियन ओवरहेड ब्रिजेज उनमें भी इजाफे के लिए हमने कह रखा है, बल्कि जो इतना आपको नज़र आ रहा है वो हमने ही तजावीज़ भेजी हैं, अमल दरामद उस पर दूसरे महकमों ने किया। तो सब एक कॉल एक्चुअली आई है हमारे पास। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, आई गेस द कॉल गॉट ड्रॉप्ड। हाँ जी, तो आप बात कर रहे थे कि फ्लाईओवर के ऊपर भी आप लोगों ने ये सोचा कि वहाँ पर चलने के लिए बनाया जाए? जी भाई, हमारी तजावीज़ गई हैं मुख्तलिफ, तो हर हम वक्तन फवक्तन ये तजावीज़। तो सबसे ज़्यादा जो पूरा कराची आपके अंडर में आता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट प्रोन कौन सा जोन आता है कराची में? देखिए, एक्सीडेंट प्रोन जोन जो सबसे ज़्यादा और कम की बात नहीं है, साउथ, ऑब्वियसली साउथ में रश ट्रैफिक का ज़्यादा है, और उसके साथ साथ यही हाल इधर सेंट्रल में भी है और ट्रैफिक का फ्लो ज़्यादा है। तो आपको नहीं लगता कि सैटरडेज एंड संडेज में जो कि वीकेंड नाइट्स होती हैं उसके अंदर, जैसे अब आप, अभी मैं आपसे बात करना चाहती हूँ उसके हवाले से, जो आप कैंपेन भी कर रहे हैं हेलमेट के हवाले से, सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट्स जो कि बाइक्स में होते हैं वो उन्हीं दिनों में हो रहे होते हैं, एवरी ऑन सैटरडेज? नहीं, ऐसी सूरत हाल नहीं है, और किसी एक जोन में भी एक्सीडेंट की कोई ज़्यादा सूरत हाल नहीं है। बाज़
जगह बनी हुई है जहाँ पे एक्सीडेंट ज्यादा हो जाता है, तो उसकी भी हम ऑब्जर्वेशन। सर एक कॉल प्लीज, एक्चुअली सॉरी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी वालेकुम सलाम, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? मैं अली बात कर रहा हूँ कराची से। यस अली, आपका सवाल? आपके प्रोग्राम में आज एडीआईजी साहब बैठे हैं, तो मुझे उनसे ये सवाल पूछना था कि जब हम लोग नॉर्मल रूटीन में कहीं जा रहे होते हैं, किसी भी दिन, मतलब किसी रात या दोपहर को जा रहे होते हैं, तो कोई भी ट्रैफिक पुलिस वाला हमें रोक लेता है, तो अब जब हम उसे सारी चीजें दिखा देते हैं, अपना लाइसेंस वगैरह सारे डॉक्यूमेंट दिखा देते हैं, फिर भी वो किसी ना किसी तरह किसी बात का चालान बोलता है कि भाई आपके पास ये नहीं है वो नहीं है, तो ऐसा क्यों करते हैं, फालतू में परेशान क्यों करते हैं? अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो, कहीं जाना हो, तो ये तो सही बात नहीं है ना। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, मैं इसका जवाब अभी लेती हूँ आईडी साहब से। बताएं कि वाकई में ये भी एक सवाल है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि यहाँ पर ऐसा भी होता है नहीं, जो मैंने आपसे एक सवाल पूछना था कि यू नो उसके लिए फिर दूसरी भी हमारे पास ऑल्टरनेट वेज हैं। क्या आपके पास शिकायत के लिए हमने 915 का नंबर दे रखा है, टोल फ्री नंबर है, उस पर कॉल करें, हमारे पास अमला बैठा हुआ है जो शिकायत नोट करता है। जिस ऑफिसर ने भी खुदा ना खास्ता को ऐसा किया है, आपको तंग किया है, नाजायज़ परेशान किया है, उसके बारे में आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं और फिर हम उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। और ये सिर्फ जबानी बात नहीं, किसके पास होता है कि वो वहां से नहीं, लोग करते हैं शिकायतें, हमारे पास आती भी हैं। मैं तो समझता हूं कि पब्लिक का ये हमारे साथ एक बड़ा अच्छा तआवुन है, और उसकी वजह से मैं आपको बताऊं कि हमने जो हमारे पास सजाओं का स्टेटिस्टिक्स है वो मैं आपको दिखाऊँ, पनिशमेंट का, तो आपको देख के बड़ी हैरत होगी कि कितना सख्त हमारे यहाँ निज़ाम है सज़ा का, और हम किसी को इस तरह एब्जॉल्व नहीं करते कि वो अगर उसने कुछ किया है हम उसको ऐसी तरह जाने दें। चलिए अभी हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक पे, ब्रेक के बाद आके मजीद बात करते हैं डॉक्टर कमर के साथ ट्रैफिक के हवाले से।